कृषि मंत्री कमल पटेल ने बारिश और ओलावृष्टि में खराब हुई किसानों की फसलों को लेकर कहा कि शिवराज सरकार किसानों के साथ है। किसानों की खराब हुई फसलों का आकलन कराया जा रहा है, जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि भाजपा की सरकार किसानों की सरकार है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से कई किसानों की रबी की फसलों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिलों के संबंधित अधिकारी और कलेक्टर को आदेश दिया गया है कि किसानों की खराब हुई फसलों का मुआयना करें। उन्होंने कहा, खराब हुई फसलों की वीडियोग्राफी कराई जा रही है, जल्द ही किसानों के नुकसान की भरपाई की जाएगी। उन्होंने कहा, सर्वे का कार्य जल्द कर किसानों को राहत दी जाएगी। तेज हवाओं के साथ बारिश होने से और ओले गिरने से कई जिलों के अंदर रबी की फसल, गेहूं, सरसों, चना और बाकी फसलें भी खराब हुई है। कई जगह शिकायत आई, जैसे ही ओले गिरे, बारिश हुई, मैंने तत्काल सभी हमारे DDS को और सभी कलेक्टर को माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्काल निर्देशित किया कि राजस्व और कृषि विभाग की टीम गांव-गांव भेजें, एक एक किसान के खेत में भेजें और वीडियोग्राफी कराकर जितनी भी क्षति हुई है उसका आकलन करें, नजरिया आकलन, पंचनामा बनाएं, जो किसान जिसके खेत में उसका हस्ताक्षर करवाएं, गांव के सरपंच, पंच या कोई भी पांच लोग, पंच परमेश्वर, और एक कापी उस किसान को दें, एक पंचायत में और एक कापी अपने पास रखें, ताकि किसानों को ये संतुष्टि हो कि ये सरकार किसानों की है, दुख के समय में उनके साथ खड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में चल रही है, ये गांव, गरीब और किसानों की सरकार है, और किसानों के हर दुख में सरकार उनके साथ खड़ी है। उनका संकट हमारा संकट है, वो संकट हमने लिया है, और RBC 6-4 में और बीमा की क्षतिपूर्ति किसानों को कराएंगे, ताकि किसान को जो भी नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति सरकार करे। और इसलिए मैं स्वयं हरदा में था, तत्काल गांव में गया मैं, और अभी आकलन चल रहा है और पूरी वीडियोग्राफी कराकर दूध का दूध, पानी पानी, एक भी किसान का एक भी खेत अगर नुकसान हुआ तो उसको भरपाई की जाएगी। और इसलिए ऐसे संकट के समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के साथ खड़ी है, और किसानों को हर तरह की मदद हम देने को तैयार हैं। Life is about to change, eh? No more 8 घंटे की नींद, no more late night movies, no more parties with friends. बिल्कुल सही कहा तुमने। इसके future के लिए अब no more holidays, no more shopping और no more फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका future already secured हो तो? Really? Daddy बने हो, देवदास नहीं। जीना छोड़ दूंगा, holidays छोड़ दूंगा। Smart लोगों की clear है priority, बाकी सब बाद में। Cute वाले मेहमान से पहले LIC. बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। लाइफ के टेढ़े मेढ़े रोड पे होंगी चुनौतियाँ हर एक मोड़ पे, बट हमने कभी ना फिकर की, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी, है मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।